हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विदंकित चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, यूपी जेल वार्डर के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं चली, बहुत सारे कमेंट्स भी मुझे आए और बहुत सारे शरारती तत्व भी लगे हुए हैं आपकी तैयारी का रोटेशन बिगाड़ने में। तो वो पिछला एक नोटिफिकेशन जो नवम्बर का एडिट करके किसी ने डाल दिया था, तो वो आप उसको फेक ही मानिए क्योंकि वेबसाइट पर उस पर कुछ नहीं आया है। तो अब भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सितंबर लास्ट वीक से हट के नवंबर में पहुंच गया है। पर मैं अभी आपको इन सब बातों का जवाब दूंगा कुछ प्रूफ के साथ कि आपका एग्ज़ाम किस महीने में और कब तक हो सकता है, सारी बातें बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले आपको बता दूं कि एक न्यूज़ छपी थी 18 जुलाई 2000 को, थोड़ा लेट ही बना रहा हूँ वीडियो। तो अब देखोगे पुलिस में 13,000 पदों के लिए की जाएगी भर्ती, सभी पे पहुंच गया होगा, बिल्कुल ये सारी बातें होंगी। और इसमें किन किन भर्तियों का जिक्र था, 6,000 दरोगा, कारागार मतलब जेल वार्डर, घुड़सवार और फायर कर्मी होंगे भर्ती, ठीक है। तो इसमें यूपी दरोगा, फायरमैन, घुड़सवार, अगर इन दोनों को मिला दें क्या हो जाती है 13,000? नहीं, अभी इसमें एक मिनिस्ट्रियल की और है जो निकल चुकी है, मतलब उसकी विज्ञप्ति, 1277 पद, जिस पे मैंने वीडियो भी बना रखा है, ओ लेवल सर्टिफिकेट उसमें चाहिए, एसआई, एएसआई और स्टेनो की वो भर्ती है, ठीक है, वो मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो सारी बातें यहाँ भी लिख रही हैं कि 1250 से अधिक पदों पर, मतलब वो 1277 है एग्जैक्ट बोलूँ तो। 6,000 उपनिरीक्षक जो 5623 अब तक आ रहे थे, वो अब 6,000 की बात चल रही है, 6,000 में 6123 की उम्मीद है और हो सकता है 6,000 ही हो, ठीक है, बार बार नाम 6,000 का ही आया है। चलिए, तो कारागार, पुलिस और इसकी बात मैं अभी करूंगा ही सारी। तो अब टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है भर्तियों के लिए, भर्ती अध्यक्ष ने बताया सभी भर्तियों के लिए टेंडर प्रक्रिया, ताकि आवेदन आमंत्रित किया जा सके। अब देखिए, एक टेंडर तो होता है कि फॉर्म निकाल लिया, फॉर्म निकालने का अलग कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है, कई बार तो एग्जाम भी उसी पे ही चला जाता है। पर इस बार मतलब ये फॉर्म का अलग टेंडर था जो जेल वार्डर का था, और अब जो एग्जाम दिलाएंगे वो दूसरे को टेंडर देंगे, तो वो इसलिए अभी टेंडर प्रक्रिया वो तो कंप्लीट हो चुकी है जेल वार्डर की, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। टेंडर प्रक्रिया ये बोल रहे हैं कि यूपीएसआई और जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उसके लिए भी किसी कंपनी को ही टेंडर दिया जाता है, यूपी पुलिस खुद नहीं कराती है, भर्ती बोर्ड खुद नहीं कराता है, उसके अंडर चलता है, पर टेंडर कंपनी को ही दिया जाता है यहाँ भी, फॉर्म निकालने तक का भी, ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ, तो ये बातें तो क्लियर है कि इसमें तीन चीजों की किस किस की भर्ती है। अगर मैं टोटल काउंट करूं, देखिए, अगर 6,000 ही दरोगा मानूं और 1277 मिनिस्ट्रियल स्टाफ और 5805 आपका घुड़सवार, ये सब मिला करके, तो अगर आप इनको सबको जोड़ोगे तो ये आपका बन जाता है 13,082 वैकेंसी। तो करीब इसने 13,000 इसलिए ही बोला है, तो 13,082 वैकेंसी ये बैठती हैं। अगर मैं 6,000 सब इंस्पेक्टर मानूं और 6123 मानूंगा तो फिर ये थोड़ा सा और बढ़ जाता है आंकड़ा। चलिए, और अगर बात करें दोस्तों, अब जेल वार्डर पे मैं आता हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स पे आपका जवाब देना है। तो एग्ज़ाम कब तक, तो एक वीडियो भी जारी हुआ है जो आज ही सुबह बहुत ज़्यादा पब्लिश हो चुका है, वो वीडियो किसका है, भर्ती बोर्ड अध्यक्ष विश्वकर्मा जी का है, क्योंकि उन्हीं की बात पर सबसे ज़्यादा यकीन हो सकता है, अखबारों से भी ज़्यादा यकीन है, क्योंकि अखबार तो लिखते हैं विश्वकर्मा ने कहा और वीडियो ये बताता है विश्वकर्मा ने क्या कहा, तो इसका मतलब वीडियो पर ही ज़्यादा भरोसा आपको करना चाहिए, क्योंकि अखबार तो तोड़ मरोड़ के लैंग्वेज भी पेश कर सकता है, ठीक है, वो वीडियो भी मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो आपको बात करें एग्ज़ाम कब तक होगा, तो एग्ज़ाम में जो उन्होंने बात बोली है उस बात को गौर से सुनना, और ये एग्ज़ाम उन्होंने बोला है कि अक्टूबर के लास्ट में हम लोग करवाएंगे। अब स्पष्ट रूप से ये नहीं बोला है उसमें कि सिर्फ ये यूपीएसआई की बात है अक्टूबर के लास्ट में या जेल वार्डर की भी है, पर उन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से कह दी कि कोरोना से कुछ निपट जाए और कोरोना से निपटते निपटते हमें अक्टूबर लास्ट तो आ ही जाना है, और हमने तब तक ही मान के चल रहे हैं, सबको ये संदेश दे रखा है, ठीक है। तो कोरोना की वजह तो इसमें भी आएगी, तो सीधी सी बात है वो सितंबर वाली बात फेल हो जाती है और अक्टूबर के लास्ट में आपका भर्ती, मतलब अभी जो भर्ती बोर्ड का मन है वो ये है कि अक्टूबर के लास्ट में एग्जाम होगा। नवंबर का नोटिस जरूर फेक था, पर इस बात में कोई शक नहीं है
हैं कि आपका एग्जाम नवंबर तक भी जा सकता है, सितंबर में नहीं होगा, ये बात मैं लिख करके आपको दे सकता हूं। आज की बात मेरी, चाहे तो रिकॉर्ड करके कभी भी मुझे सुना देना, ठीक है। अब सितंबर में बिल्कुल नहीं होगा, अक्टूबर में लास्ट में तो एग्जाम चला जाएगा, लास्ट में कर तो नवंबर में भी जा सकता है, क्योंकि देखिए जो चीजें चलती हैं, अब चूंकि आपको पता है ये COVID-19 की बीमारी चल रही है, तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन से लेट होंगी चीजें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अक्टूबर के लास्ट में हो जाए, वो बोल रहे हैं कि हमने मान रखा है कि हम अक्टूबर के लास्ट में करवा देंगे, ठीक है। चलिए वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं, हालांकि टेलीग्राम पे मैंने सुबह ही सेंड कर दी थी बच्चों को, कैसी है तैयारी आपकी इसके लिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कैसी है तैयारी आपकी। अगर आप मान लीजिए भर्ती का ये पहले ये वेट करते हैं कि भर्ती कब आएंगी, और बाद में जब भर्ती आ जाती है फॉर्म भर गए, टेस्ट कब होगा, अरे कब होगा भैया, होगा टेस्ट तो, फॉर्म भर गए हैं जरूर होगा, ठीक है। अब आपको डेट भी मिल गई है, डेट फिक्स नहीं मिली है जी, कौन सी डेट है, आगे कर दी, किसी ने एडिट कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, उसमें सरदर्दी यार, 10-15 दिन, महीना 20 दिन का अंतर हो जाएगा भाई, आप अपनी तैयारी पर क्यों फर्क लाते हो उस बात का, ठीक है। उससे मत आप मतलब विचलित मत हुआ करो, अब नहीं होगा महीना बाद हो जाएगा, क्या हो गया, डेट आ रही है, सब कुछ ठीक है, तो आप विचलित क्यों हो रहे हो, ठीक है। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पर मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि अक्टूबर के लास्ट से पहले एग्जाम नहीं होने वाला आपका, ठीक है। चलिए अब तैयारी कैसे चेक करनी है आपको, मॉक टेस्ट से ही आपकी तैयारी चेक हो सकती है, कभी भी देख लेना कि आपकी तैयारी जो चेक होती है वो मॉक टेस्ट से होती है। और मॉक टेस्ट के लिए आप क्या करें दोस्तों, मैं आपको बस इतना सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बड़ाई मानने वाली अपनी कोई बात नहीं है, पर मैं इतना ही कहूंगा, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर सभी के बंद हैं, हमारा भी बंद है और कहीं का भी बंद है, ठीक है। बच्चे बहुत कॉल कर रहे हैं जी ऑफलाइन, तो मैं अभी इस वीडियो के मतलब माध्यम से संदेश देता हूं कि ऑफलाइन बिल्कुल बंद है, लेकिन एक रिकॉर्ड रहा है हमारा ऑफलाइन, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे जेल वार्डर हो, चाहे यूपी पुलिस हो, जेल वार्डर तो अभी आया है, पर यूपी पुलिस की बहुत भर्तियां हम लोगों ने कराई हैं, तो ये दो तो यूं समझ लो बहुत सारा एक्सपीरियंस हमें देके गई हैं, दोनों ही भर्तियों की इनकी बात करूंगा और दिल्ली पुलिस की पिछले 9-10 सालों की भर्तियों की बात करूंगा। आप देखना जितने भी हमने ऑफलाइन मॉक टेस्ट किसी भी बच्चे से जो हमारा लगाया हुआ वो देख लेना, ऑनलाइन तो अब लगे हुए आपको हर जगह मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट वहां भी लिए थे हमने ऑनलाइन, ऑफलाइन वाले ही ऑनलाइन डाले थे पिछली बार, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल उसी पैटर्न पे जो यूपी पुलिस का है, जो जेल वार्डर का है, वही के वही मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। आपको हम हर सप्ताह देने की कोशिश करेंगे, पर मैं पहला मॉक टेस्ट आपको 3-4 दिन के अंदर दे दूंगा, जिससे आप ये अंदाजा लगा पाओगे कि हमारी तैयारी कैसी है। उस भर्तियों के बारे में मैं इतनी इसलिए बात कर रहा था कि जितने भी भर्तियों को आपने देखा है, उन मॉक टेस्ट में जिस भी बच्चे से आप पूछोगे, सभी बच्चों के जो मॉक टेस्ट में नंबर थे वही नंबर एक्चुअल पेपर में मिले, वही नंबर नॉर्मलाइज होकर हो सकता है 10-5 ऊपर नीचे हो गए हो, लेकिन जो मार्किंग वो यहां करते थे, किसी का पेपर 190 जाता था तो 190-95 पे ही सिमट गया वहां पर, किसी का पेपर यहां 220 जाता था तो वो 220-225 करके ही आया वहां पर। एक भी बच्चे का मैं ऐसे रिकॉर्ड नहीं दिखा पाऊंगा आपको कि एक भी बच्चे का ऐसे आउट ऑफ द वे हुआ हो कि जो मॉक टेस्ट में इतना सारा लाता था और यहां इतना कम करके आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी चेक करनी है, तो प्लीज मॉक टेस्ट दीजिएगा, मैं फ्री मॉक टेस्ट आपको डालूंगा, एकदम फ्री मॉक टेस्ट डालूंगा, और सारे मॉक टेस्ट टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे रोजगार विद अंकित। आप लोगों को आइडिया नहीं है टेलीग्राम का, मैं बता देता हूं कि टेलीग्राम प्ले स्टोर पर जाइए, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम डाउनलोड होकर आपको जैसे यूट्यूब पर सर्च करते हैं उसमें भी सर्च का ऑप्शन आता है, रोजगार विद अंकित लिख दीजिए, वहां पर लिख दोगे तो एकदम ग्रुप में ज्वाइन का मतलब रोजगार विद अंकित आपको मिल जाएगा, वहां ऑलरेडी आपके 32-33 हज़ार बच्चे वेट कर रहे होंगे कि आ जाओ, तो उससे पता लग जाएगा ये वाला ही है, नहीं तो और भी फेक बना रखे हैं लोगों ने पता नहीं रोजगार विद अंकित के नाम से। तो जो 32-33 हज़ार सब्सक्राइबर वाला हो उस पर क्लिक करना,
करना और वहाँ ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा। सारे मॉक टेस्ट मैं आपको वहाँ दूंगा, क्योंकि मेरा कोई ऐप तो है नहीं जो मैं आपको उस पर दे दूँ, ठीक है। तो ये फ्री वाला सौदा है जो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। एक एक बात जो मैंने बोली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही तैयारी चेक कर सकते हो आप अपनी यूपी। अब देखिए, मैं इसके लिए मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि अगस्त के लास्ट तक, क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट, वैसे अगर टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट खरीदना है ना बाजार से, अभी मत खरीदना, बहुत बेकार रहोगे। अभी सिर्फ तैयारी करने पे ध्यान दो, मात्र एक महीना पहले लाना अगर प्रैक्टिस सेट लेके आना है, तो उससे पहले मत लाना मेरे भाई। अगर एग्जाम की डेट क्लियर हो जाए अक्टूबर के लास्ट में, तो आप अक्टूबर के पहले ही हफ्ते में आप खरीद लेना क्या प्रैक्टिस सेट, उससे पहले मत खरीदना, नहीं तो बहुत गड़बड़ कर बैठोगे तैयारी में। हर बार तो डीमोरलाइज हो गए, जब भी आपके टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, मॉक टेस्ट दिया डीमोरलाइज हो गए, तो बिल्कुल ऐसा मत करना। तो आप को मैं ये भी बताऊंगा मॉक टेस्ट में कि हमारा टॉपर कितने पर, जो भी मुझे सूचना मिलेगी कि कितने बच्चे के कितने आए, तो उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, वो सारी बातें मैं आपसे करूंगा। तो भाई मॉक टेस्ट के लिए अगस्त के लास्ट में जो मैं बता रहा हूं कि मैं एक बुक भी निकाल रहा हूं जिसमें 12 यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व मिल जाएंगे आपको, जो 12 पेपर हुए 2018 में, दो भर्ती आई, एक 41-520, उसके 9-10 जून, वो सॉरी 18 और 19 जून को हुए 4 पेपर, 2-2 शिफ्ट, फिर री एग्जाम हुआ 3, तब हो गए 4 और 3 7, और दोस्तों और 4 पेपर हुए, 11 हुए टोटल, 4 पेपर और हो गए हैं कब, 27-28 जनवरी को, 2 शिफ्ट में, 2 उस दिन, 2 उस दिन, तो कुल मिलाकर 11 पेपर सेट हैं। ये 11 के 11 मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट में दे दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट अगस्त के लास्ट में। और 11 यही नहीं दूंगा, ये तो सॉल्व नहीं, तो आपको आइडिया लगा देंगे कि ऐसा ही पेपर आना है, प्लस उन्हीं के पैटर्न पर, क्योंकि पेपर तो इसी पैटर्न पे आना है, 8-9 अपने भी जोड़ दूंगा, टोटल 20 बना देंगे हम, ठीक है, 9 हमारे भी जुड़ जाएंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन नए मिलेंगे उसमें, क्योंकि 11 वाले में तो आपने पहले पेपर देख रखे होंगे, किसी का उत्तर याद आ जाएगा, किसी का कुछ आ जाएगा, इसलिए 9 मैं अपने भी निकाल रहा हूँ, उसमें ऐड कर देंगे, और जो टेलीग्राम पे लूंगा ना, इनसे अलग होंगे वो, ठीक है। चलिए, बहुत बेहतर समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो और क्या बताऊं, बोर्ड द्वारा कराया जाएगा सबसे पहले यह है एग्जाम, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबसे पहले प्रायोरिटी पर यह है, वो इसलिए क्योंकि यूपीएसआई में बैठेंगे बहुत सारे बच्चे, और आपको पता है कोविड-19 के चलते बोर्ड भी ये चेक करना चाहेगा कि यार कम बच्चों पर पहले टेस्ट कर लिया जाए, तो कम बच्चे 6-7 लाख बच्चों का टेस्ट करा के देख लेते हैं पहले, फिर यूपीएसआई पर जाएंगे, तो कुल मिलाकर के इसका टेस्ट पहले होगा, ताकि बोर्ड को भी आइडिया हो जाए कि हाँ हम सक्सेसफुली कंप्लीट करवा पाए। तो बिल्कुल ही पहले होगा, ये प्रायोरिटी पे होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे बात करूं दोस्तों, ये पद कैसे कैसे हैं, जेल वार्डर के जो भर्ती है उसमें पुरुष महिला दोनों है, महिला और किसी में नहीं है, इसमें ही है बस, महिला पुलिस इसमें चाहिए होती है जेल वाले में। और घुड़सवार पुलिस 102, और सबसे बड़ा डाउट फायरमैन 2065, सारे मिला के 5805। सबसे बड़ा डाउट है कि पेपर अलग अलग होगा या एक जैसा होगा, अभी भर्ती बोर्ड अध्यक्ष का बयान सुनवाता हूं, और उसमें एकदम साफ नहीं बोला, पर उसमें एक लाइन बहुत गौर से सुनना जो उसमें बोली है, हम जल्दी से ही जेल वार्डर का एग्जाम और घोड़ा पुलिस का एग्जाम करवाने वाले हैं। तो इसका मतलब जेल वार्डर का एग्जाम अलग और घोड़ा पुलिस का एग्जाम अलग। उनकी बात से आप अगर गौर से और समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे। तो फिर तो फायरमैन का भी अलग होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए, ठीक है। हालांकि उनके मुंह से इन दोनों की ही बात निकली। तो अब आप समझ जाइएगा कि एग्जाम की, अगर आपने फॉर्म अलग अलग भरे हैं तो एग्जाम भी अलग अलग ही होगा, ठीक है, एग्जाम भी अलग अलग ही होगा। ये डाउट भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो भर्ती बोर्ड अध्यक्ष ने क्या बात बोली है। मैं
ये कहूँगा बच्चों को, अभी हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ऑर्डर मिला है 6000 सब इंस्पेक्टर्स भर्ती करने का और करीब करीब 1300 मिनिस्ट्रियल स्टाफ करने का। मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी ASI रैंक है, उसमें ASI मिनिस्ट्रियल, ASI अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर्स हैं। और इसके अलावा हम लोग जेल का एग्ज़ाम करवाने वाले हैं, घोड़ा पुलिस का एग्ज़ाम करवाने वाले हैं और आपका माउंटेड पुलिस और जेल, इसके अलावा भी कुछ वो कम संख्या में है, लेकिन जो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट हम लोग करवाएंगे वो सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल्स का करवाएंगे। इसके लिए बच्चे अपना तैयारी करते रहें, जो सिंसियर बच्चे हैं, और मैं कोशिश यही करूंगा कि अक्टूबर एंड तक, जैसे कोरोना का सारा कुछ निपट जाएगा, जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि अक्टूबर में हम लोग एग्ज़ाम करवाने की पोजिशन में होंगे, तो हम लोगों ने अक्टूबर एंड में एग्ज़ाम करवाने का प्रपोजल बनाया हुआ है। और तो दोस्तों, आपने सुना भर्ती बोर्ड अध्यक्ष विश्वकर्मा जी का बयान, तो आपको लगा होगा कि बिल्कुल जो जो मैंने बातें बताई थी वो बिल्कुल सच है और अक्टूबर के लास्ट से पहले कोई एग्ज़ाम होना मुश्किल है, क्योंकि ये इंतज़ार कर रहे हैं COVID-19 का असर तब तक कुछ कम हो जाए और अब तब हम सक्रिय हों, ठीक है। और साथ में जेल वार्ड पुलिस का एग्ज़ाम की अलग बात हुई है और घुड़सवार पुलिस के एग्ज़ाम की अलग बात हुई है, तो जाहिर सी बात है फायरमैन का भी अलग ही होगा। तो कुल मिलाकर के आपको अब तैयारी में जुटे रहना है। अक्टूबर मान लीजिए लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो भाई आप तैयारी कैसी कर रहे हैं? हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट जरूर देना, कोशिश करूंगा मैं ही आपको मॉक टेस्ट दूं और आप मेरे ही मॉक टेस्ट करो, और एक मॉक टेस्ट दे लेना, आपको लगने लगेगा इस लेवल का ही एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट से मेरी कोई कमाई नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपके भले के लिए किया जा रहा है। और आपको लगता हो कि कुछ कमाई है तो आप बिल्कुल भी मत करना, जो आपका मन करे वो करना, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये संदेश आपको देना था, आप लोगों से दिल से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए इतनी कोशिश कर रहा हूँ। विजय सर मैथ्स की क्लास दे रहे हैं, मैथ्स आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, प्रैक्टिस बुक करनी है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब आपका लेवल अगर हाई लेवल का मैथ पढ़ना है तो प्रैक्टिस बुक कर सकते हो, नहीं तो प्रैक्टिस बुक जिस बुक के साथ आई है ना मैथ्स की, उस बुक से भी अगर आपने क्वेश्चन कर लिए, वो क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है उस बुक में भी, आरएस अग्रवाल भी मिक्स है उसमें, ठीक है, सब कुछ है। अगर आपने वो मैथ्स की बुक कर ली, मैं समझता हूँ आपको कोई मैथ का अलग से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स की बुक कहाँ से कैसे लेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वो आप देख सकते हो। रीजनिंग की जो वीडियो करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आउट चला जाए तो आप बता देना कहाँ से देखें वो रीजनिंग की वीडियो, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। विजय सर की क्लास का भी मैथ्स की का लिंक दे दूंगा, जो आपको करना चाहते हो कर लीजिए। मैथ रीजनिंग मैंने बता दी है आपको, और दोस्तों बात कर रहा हूँ हिंदी की क्लास कंटिन्यू करा रहा हूँ मैं आपको, कंटिन्यू चल रही हैं और ये चला दूंगा, बिल्कुल ख़त्म करवा दूंगा हिंदी आपके एग्ज़ाम से पहले, बहुत पहले करा दूंगा। तब तक आप अपनी तैयारी में लगे रहिए ना भाई, इसको ऐसे एक्स्ट्रा मोड पे मत लेके जाइए कि कभी उसका वीडियो, कभी इसका वीडियो, कभी उसका टेस्ट, कभी खुद को परेशान, कभी टेस्ट कब होगा, ये सब चीज़ें करोगे तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी, ठीक है। बहुत आसान कंपटीशन जेल वार्डर के एग्जाम में, अगर आप ध्यान दोगे बहुत आसानी से नंबर आएगा, 200 टारगेट रख लो, आपको कोई निकालने वाला नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं। चलिए दोस्तों, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।